कक्षा 11वीं के व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत प्रिय छात्रों इकाई 2 अध्याय 4 में हम अध्ययन कर रहे थे व्यावसायिक संगठन के विभिन्न जो स्वरूप हैं उनके बारे में। पहला अध्याय जो हमने अध्ययन किया था एकल स्वामित्व या एकल व्यवसाय अर्थात एक अकेले व्यक्ति के द्वारा या जिस व्यापार में एक अकेले व्यक्ति का स्वामित्व होता है वो एकल व्यवसाय कहलाता है। वहीं दूसरे स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, एक परिवार के द्वारा जो व्यवसाय संचालित किया जाता है वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसमें जो है परिवार का जो मुखिया होता है वही इस व्यवसाय का स्वामी कहलाता है। और तीसरा स्वरूप जिसका हम अध्ययन कर रहे थे यहाँ पर साझेदारी, जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो जैसा कि बताया था कि साझेदारी मतलब साझे का अधिकार, बराबर बराबर का अधिकार। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हैं जो लाभ कमाने के लिए व्यवसाय स्थापित किया गया है और उस व्यवसाय का संचालन उन सभी साझेदारों के द्वारा या किसी एक साझेदार के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है तो ऐसा व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। तो यहाँ पर हम साझेदारी के द्वारा संचालित व्यवसाय के अंतर्गत हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि साझेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थात कितने प्रकार की साझेदारी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे साझेदारों के प्रकार, अर्थात फर्म में कौन कौन से साझेदार होते हैं। वहीं यदि किसी फर्म में कोई अवयस्क है और वो साझेदार बनता है तो उस अवयस्क साझेदार के अधिकार क्या होंगे। साथ ही साझेदारी संलेख, तो साझेदारी संलेख क्या है, विभिन्न साझेदारों के बीच में जो आपसी समझौता या अनुबंध है उसमें जो बातें होती हैं वो साझेदारी संलेख कहलाता है। और इस साझेदारी संलेख में जो आवश्यक बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि साझेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं। ये हमारे सामने हैं साझेदारी के जो विभिन्न प्रकार हैं, चार प्रकार से दी हुई है, सामान्य तथा सीमित साझेदार, ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी, फिर निश्चितकालीन या अनिश्चितकालीन साझेदारी और इसके अलावा वैध व अवैध साझेदारी। तो यहाँ सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सामान्य या सीमित साझेदारी क्या है। सामान्य जो साझेदारी होती है वो साझेदार कहलाते हैं जो असीमित दायित्व की स्थिति में भी स्थिर रहते हैं, अर्थात उनके द्वारा जो व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी के अलावा व्यवसाय के जो अन्य दायित्व हैं उनकी पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे साझेदार कहलाते हैं सामान्य साझेदार, अर्थात ये साझेदार जो हैं व्यवसाय के समस्त दायित्वों की पूर्ति के लिए अपने द्वारा प्रारंभ में जो पूंजी लगाई गई उसके अलावा भी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग दायित्व की पूर्ति के लिए करते हैं वो कहलाते हैं सामान्य साझेदार, अर्थात ये व्यवसाय की संपूर्ण जो जोखिम है उसको उठाते हैं सामान्य साझेदार। अब हम यहाँ अध्ययन करते हैं वहीं सीमित साझेदार। सीमित साझेदार वे कहलाते हैं जो व्यवसाय के दायित्वों की पूर्ति के लिए अपने द्वारा लगाई गई पूंजी तक के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब ये है कि साझेदारों के द्वारा जो व्यवसाय में पूंजी लगाई गई है वे व्यवसाय के दायित्व की पूर्ति के लिए सिर्फ उतनी ही पूंजी तक के जिम्मेदार हैं जितनी उन्होंने व्यवसाय में लगाई है। तो इस पर जैसा कि नाम स्पष्ट है सीमित साझेदार, अर्थात इनके दायित्व जो हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य साझेदारी की तुलना में सीमित साझेदार द्वारा प्रायः अधिक पूंजी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी पूंजी तक जो है इनका दायित्व सीमित रहता है, इसलिए सामान्य साझेदारी की तुलना में सीमित साझेदार द्वारा जो है प्रायः रूप से अधिक पूंजी लगाई जाती है।
इसके बाद है जो ऐच्छिक या विशेष साझेदारी। यहाँ हम देखते हैं जब कोई साझेदार अनिश्चित काल के लिए कोई भी व्यवसाय करने के लिए की जाती है तो वो ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। यहाँ ऐच्छिक साझेदारी में किसी भी समय सभी साझेदारों की सहमति से या किसी एक साझेदार द्वारा नोटिस दिए जाने पर समाप्त की जा सकती है। तो ये ऐसी साझेदारी है जो निश्चित समय के लिए तथा कोई